दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद पलियावाला बोल रहा हूं यूएसए से। इस वीडियो में हम ये प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली। कई साल पहले की बात है कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर है, और वही नहीं, वो मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर है। तो इस वीडियो में हम ये प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि ये न्यूज़ मुझे कैसे मिला, क्या मैं प्रोस्टेट कैंसर के पहले में कुछ जानता था, और जाना तो मैंने क्या किया। तो पहले मैं ये फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं तो फैमिली डॉक्टर पहले ही से था, और पैथोलॉजी में भी 5 साल 4 साल चार साल रेजिडेंसी करके प्रोस्टेट ग्लैंड को भी हम देखे थे, और कैडावर में भी ये सेक्शन किए थे, और मुझे पता था कि ये प्रोस्टेट कैंसर है, जो कि बहुत ही नेस्टिक किस्म की कैंसर है, क्योंकि इसके बहुत रूप हैं। बहुत रूप का मतलब है कि कुछ बहुत ही एग्रेसिव है और कुछ बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है, और कुछ क्योर भी हो जाता है तो फिर भी ये वापिस आता है। तो मुझे पहले से कुछ दोस्तों के साथ से इसका इन्फॉर्मेशन मिला था। मेरे एक दोस्त थे बॉस्टन में, अमेरिकन थे, और वो मेरे को बोले कि देखो विक्रम, मेरे को प्रोस्टेटिक कैंसर हुआ है, जो कि हिप में चला गया है, बोन में, और मुझे बहुत पेन करता है, तो इसकी यही प्रॉब्लम है। और उसकी टाइम में मैं ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया। मेरे दूसरे फ्रेंड थे फ्लोरिडा में, वो भी अमेरिकन थे, और उनको हम बताए अपने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, तो वो बोले कि देखो इसके लिए कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि मेरे को भी था जब हम 70 में थे, तो उस वक्त मेरा प्रोस्टेट कैंसर निकाल दिया गया। तो हमको एक बताया गया था कि प्रोस्टेट कैंसर निकालने के बाद में पेशाब करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ सर्जरी अच्छे से नहीं होते हैं। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मेरे को कोई यूरिन की लीकिंग नहीं होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एक्सेप्ट कि मुझे फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है। तीसरा उदाहरण ये है कि मेरे एक दोस्त हैं मिशिगन में, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनके एक नेहर थे, उनको हुआ था प्रोस्टेट कैंसर, और वो 7-8 साल तक ट्रीटमेंट चलाए थे, कीमोथेरेपी भी उनका हुआ था, और अंत में कैंसर उनका फिर वापिस आ गया और उनकी डेथ हो गई। और इनफैक्ट मेरे फ्रेंड जा करके मरने के पहले उनसे मिले भी थे। तो ये 3 एग्जाम्पल मेरे दिमाग में था। और चौथा ये कि अपने रेजिडेंसी के अंडर करते हुए मैं बहुत क्लोज प्रोस्टेट कैंसर को स्टडी किए थे, और कैंसर के साथ में भी, और तो हम जानते थे। और अगली बात ये थी कि मैं अपने फिजिशियन लाइसेंस रखने के लिए मेरे को मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी, उसमें यूरोलॉजिस्ट की मीटिंग प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और बहुत से डिजीजेस के बारे में हम अटेंड करते थे। तो उसमें हम प्रोस्टेट कैंसर का भी अटेंड किए थे, तो मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन था। तो ऐसा हुआ कि हम लोग टूर करने गए, ये 3-4 साल पहले की बात है। देखिए, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं फरवरी 12, 2022 को बना रहे हैं। तो 4 साल पहले हम लोग गए होते जापान घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ में, जब उस वक्त में मेरे को एक ही प्रॉब्लम था उसके पहले, वो था इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उस वक्त में जैसे कि और लोग, एल्डरली लोग या सीनियर लोग लेते हैं, वायाग्रा हुआ, सियालिस हुआ, और उससे मेरे को सैंपल मिलता था, और मेरा काम बहुत अच्छे से चलता था। इन अदर वर्ड्स की याद रखिएगा कि लेडीज लोग का ये प्रॉब्लम है, मैन का प्रॉब्लम है, लेकिन लेडीज फील वेरी बैड कि अगर इरेक्शन ठीक से नहीं हो तो दे फील वेरी बैड अबाउट इट। सो एनी वे, जो लोग सियालिस लेते हैं, भयाग्रा लेते हैं या सेक्स हार्मोन लेते हैं,
देन दे आर एबल टू अचीव द सेटिस्फैक्शन। और इजैकुलेशन कहा जाता है, इजैकुलेशन का मतलब है कि जो सीमेन का डिस्चार्ज होता है उसके बाद में जो मैन है वो बहुत ही अच्छा फील करता है, और बिना उसके जो है उसको पेन से कह रहे हैं मैं कि उसको इजैकुलेशन का ejaculation इजैकुलेशन जब हो जाता है तो मैन को बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, और बाय दैट टाइम द इंटरकोर्स इज और सेक्सुअल एक्ट इज फिनिश्ड। तो देखिए ये नॉर्मल है किसी एज में, चाहे 60 हो 40 हो, लेकिन ये जब आदमी यंग रहता है तो ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कम होता है। तो देखिए यही मेरे को केवल बीमारी थी और कोई बीमारी नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि मेरा एनुअल एग्जामिनेशन में प्रोस्टेट का एक टेस्ट है, कहते हैं PSA, पी लाइक पीटर, एस लाइक सैम, ए लाइक एडम। PSA ये हार्मोन है, एक किस्म का केमिकल है जो कि सिक्रेट करता है प्रोस्टेट, उसके वजह से सीमेन जो डिस्चार्ज होता है वो स्मूथली यूरेथ्रा से जो है मेल सेक्स ऑर्गन से बहुत स्मूथली डिस्चार्ज होता है, इसका मतलब है कि वो रुकता नहीं है। तो प्रोस्टेट का PSA का यही काम है, प्रोस्टेट का भी यही काम है कि वो जो ग्लैंड बिल्कुल ब्लैडर के नीचे लोकेटेड है जो कि सराउंड करता है यूरेथ्रा को, जो कि जिसे पेशाब आती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर कोई है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, मान लीजिए 70-80 में, 90 में, 60-70 शुरू होता है 50 से ही, कि प्रोस्टेट ग्लैंड तो ऐसे भी इंक्रीज होता है साइज में, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन किसी किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है और उसका कोई सिम्टम ही नहीं है। तो मेरे को कभी कभी सुबह होता है कि कुछ लोगों को जो PSA की बीमारी है, सॉरी जो है प्रोस्टेट की, अगर जिसको कहा जाता है हाइपरट्रॉफी, बिनाइन हाइपरट्रॉफी, हो सकता है कि उनको कैंसर ग्रो हो रहा हो। तो ये किसी, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है इससे, और इस कैंसर में कैसे वो स्प्रेड करता है, कैसे वापिस आता है, ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हर एक मैन को प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि सबको आपको एनुअल एग्जामिनेशन में प्रोस्टेट का टेस्ट करवाना है PSA का। और पैराडॉक्स ये है कि अगर ज़्यादा है भी PSA 15-20 तो नॉर्मली होना चाहिए लेस देन 4 या 3.5, लेकिन अगर आपका ज़्यादा है तो वो प्रोस्टेटाइटिस से भी हो सकता है, कि वो किसी इन्फेक्शन से हो सकता है प्रोस्टेट में या ब्लैडर में, यूरिन में हो सकता है। तो ये डॉक्टर का काम है पता लगाना कि क्या कारण है। तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, और पार्ट दो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे को क्या ट्रीटमेंट समझाया गया और मैंने क्या डिसाइड किया। तो देखिए ये मैन के लिए बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आई होप कि आप ध्यान से देखेंगे और अपना कमेंट भेजेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टॉक टू यू लेटर, बाय बाय।